नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करते हैं, HUL की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 2550 में है। 19 अक्टूबर 2023 को नतीजे आने वाले थे कंपनी के दोस्तों, दूसरी तिमाही के, तो क्या परफॉर्मेंस रही है इस अपडेट को देखते हैं। और कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, तो जिन निवेशकों के पास हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है तो आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलने वाला है। और HUL की बात कर रहे हैं, FMCG की कंपनी है, बड़ी कंपनी है। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो एक रेंज में घूम रहा है, नीचे की तरफ 2200, ऊपर की तरफ 2700, इसके बीच ये घूम रहा है। और स्टॉक प्राइस है 2550 में दोस्तों। तो दूसरी तिमाही के नंबर्स की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। फाइनेंशियल नंबर के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने। सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। आपके पास HUL का स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का स्टॉक है, तो 18 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। एक भी शेयर HUL का है तो 18 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। इंट्रीम डिविडेंड है ये, और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट होती है, फिक्स डेट है, एक्स डेट है 2 नवम्बर 2023 है दोस्तों। 2 नवम्बर 2023 ये ध्यान में रखिएगा जिनके पोर्टफोलियो में, तो रिकॉर्ड डेट 2 नवंबर 2023, एक्स डेट भी 2 नवंबर 2023 होगी। और इसका जो पेमेंट का अपडेट है 16 नवंबर 2023 के बाद पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। 16 नवंबर 2023 पेमेंट होगा, इसके बाद पेमेंट होगा। तो 18 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ। आगे की तरफ चलते हैं और फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है दूसरी तिमाही में HUL का। और ये देखिए, ये फाइनेंशियल नंबर है, नंबर्स को बड़े कर लेते हैं। स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए जो रेवेन्यू है 2023 के क्वार्टर में, सितंबर में 15,027 करोड़ का है, और टोटल इनकम है 15,559 करोड़ का है। इससे पहले 2022 में 14,466 करोड़ का था, और 30 जून 2023 के क्वार्टर में 15,333 करोड़ का था। तो अब की बार ग्रोथ रही है, ये सालाना तो ग्रोथ है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी रेवेन्यू टोटल इनकम बढ़कर आया दोस्तों। अब चलते हैं टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। 11,923 करोड़ का एक्सपेंसेस है, और कंपनी का जो प्रॉफिट का अपडेट आया है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 2,717 करोड़ का है। 2,616 करोड़ का एक साल पहले था, 2,472 करोड़ का 30 जून 2023 के क्वार्टर में था। तो प्रॉफिट बढ़ा है अब की बार, तो कंपनी को प्रॉफिट आया है और प्रॉफिट बढ़कर आया है दोस्तों। 2,717 करोड़ का प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है 11.56 का है, 11.13 का एक साल पहले था, 10.52 का इससे पहले क्वार्टर में था। EPS 11.56 का है। तो ग्रोथ देखने को मिली है इस क्वार्टर में, और रेवेन्यू टोटल इनकम 15,559 करोड़ का, और कंपनी का जो प्रॉफिट है 2,717 करोड़ का दोस्तों। तो ये डिविडेंड का अपडेट है और दूसरी तिमाही Q2 FY24 का अपडेट है। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, 2550 में है 19 अक्टूबर 2023 को। नतीजे ठीक ठाक हैं लेकिन शेयर में बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलती दोस्तों। ऊपर की तरफ देखिए 2600-2700, नीचे की तरफ 2300 और 2200 के आसपास इसमें बाइंग आती हुई देखी जा सकती है, और एक रेंज में घूमता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपके पास शेयर है तो डिविडेंड मिलने वाला है। 18 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और स्टॉक प्राइस 2550 में दोस्तों। तेज़ी जो बड़ी तेज़ी होगी टेक्निकली 2770 के ऊपर क्लोज होगा, तब इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये HUL का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।